कलाकंद हर किसी की फेवरेट मिठाई होती है और मैंगो हर किसी का फेवरेट फ्रूट। आज हम फ्रेश मैंगो को यूज़ करके बनाएंगे मैंगो कलाकंद। जिसने कभी कोई मिठाई ना बनाई हो वह भी मैंगो कलाकंद बहुत इजीली बना सकता है। इसको बहुत आसानी से बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देखें, पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंगो कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर मिल्क लिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क ले सकते हैं। इसी के साथ में 2 मैंगो लिए हैं जिसका वजन 500 ग्राम है। साथ में मैंने इलायची पाउडर लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, आप कटे हुए बादाम या पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं। इसी के साथ में 100 ग्राम शुगर ली है, 5 ग्राम फिटकरी पाउडर लिया है। मार्केट में आपको फिटकरी इस शेप में मिलेगी जिसको आपको पाउडर बनाकर तैयार करना है। और इसी के साथ में मैंने घी लिया है। अभी मैं एक कढ़ाई में मिल्क को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। हम इसे कंटिन्यूस हाई फ्लेम पर रख रहे हैं और इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे जब तक कि मिल्क बॉईल ना हो जाए। मैंने यहाँ पर कढ़ाई का साइज छोटा लिया है, इस वजह से जब तक बॉईल ना हो जाए तब तक हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे। लेकिन जैसे ही बॉईल होना शुरू हो जाएगा हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख लेंगे। अभी आप देखिए मिल्क हमारा बॉईल हो चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे कंटिन्यूस तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि मिल्क की क्वांटिटी रिड्यूस होकर आधी ना रह जाए। जब तक हमारा मिल्क बॉईल हो रहा है हम मैंगो की प्यूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पर 2 मैंगो लिए थे उनको मैंने छिलका हटाकर उनके पीसेस कर लिए और उनको एक ग्राइंडर जार में ले रही हूँ जिसकी हेल्प से हम इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसे आप सिंपली 1 से 2 बार ग्राइंड करेंगे। तो आप देखिए ये हमारा पेस्ट बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। मुझे इसके अंदर कलाकंद को सेट करना है, इस वजह से मैं इसको घी से ग्रीस कर रही हूँ ताकि कलाकंद को जब मैं रिमूव करूँ तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाए, स्टिक बिल्कुल भी ना करें। अभी आप देखिए मिल्क की क्वांटिटी 1/3 रिड्यूस हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर 2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। जो हमने 100 ग्राम शुगर ली थी उसको हमें 5 से 6 बार में 1 से 2 मिनट के गैप में ऐड करना है। अगर आप एक साथ पूरी शुगर ऐड कर देंगे तो ऐसे में शुगर बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होके वो उसका पानी अलग से नजर आने लगेगा। बेटर है कि आप इसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में शुगर ऐड करें, जब तक कि पहले डिजॉल्व ना हो जाए आप दूसरी शुगर बिल्कुल भी ऐड ना करें। इसी तरीके से आप सारी शुगर इसके अंदर ऐड करें और इसे कंटिन्यूस चलाते रहें। जैसे जैसे आप शुगर ऐड करेंगे इसका कलर हल्का सा येलो होना लगेगा। कंटिन्यूस चलाते रहना बहुत जरूरी है। अभी जो बची हुई शुगर है वो भी मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर ली है। शुगर ऐड करने के बाद आप ध्यान रखें कि आप इसे कंटिन्यूस चलाते रहें वरना नीचे लगने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। और अगर एक बार ये नीचे लग जाता है तो कलाकंद में जलने की स्मेल आ जाएगी और इससे कलाकंद का टेस्ट भी बेकार हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कढ़ाई में वो नीचे बिल्कुल भी ना लगे। अभी आप देखिए मिल्क की क्वांटिटी लगभग आधी रिड्यूस हो चुकी है। जो हमने फिटकरी का पाउडर लिया था वो मैं इसके अंदर 1 पिंच ऐड कर रही हूँ। फिटकरी के पाउडर को ऐड करने से मिल्क दानेदार बनने लगेगा, लेकिन एक साथ फिटकरी का पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसे हमें धीरे धीरे करके ही ऐड करना है जब तक कि हमें लगे कि ये पूरा अच्छे से इसके अंदर दाना बन चुका है। अगर आप एक साथ सारी फिटकरी का पाउडर ऐड कर देंगे तो ये दूध अलग हो जाएगा और उसके अंदर से पानी अलग हो जाएगा। तो हमें इसका पनीर नहीं बनाना है, हमें इसे दानेदार कलाकंद बनाना है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप 1-1 पिंच ही ऐड करें और आप इसे तब तक ऐड करें जब तक कि आप इसके दाने से सेटिस्फाइड हों कि यस अभी ये कलाकंद बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो पाएगा। जरूरत से ज्यादा हमें फिटकरी इसके अंदर ऐड नहीं करनी है। मैंने यहाँ पर 5 ग्राम फिटकरी ली है, हो सकता है आपको इसमें हल्का सा कम या ज्यादा भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप तब तक फिटकरी ऐड करें जब तक कि वो बहुत अच्छे से दानेदार बनकर तैयार हो जाए। अभी आप देखिए मिल्क काफी थिक हो चुका है और ये काफी अच्छे से दानेदार भी नजर आ रहा है। जो बची हुई फिटकरी का पाउडर है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। आप देखिए इसमें आपको क्लियरली बहुत अच्छे से दानेदार नजर आ रहा है, इसमें पानी अलग और दूध अलग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अभी इस स्टेज पर जो हमने मैंगो प्यूरी बनाकर तैयार की थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते रहेंगे। जब आप मैंगो की प्यूरी ऐड करेंगे आप देखेंगे कि ये वापस से लिक्विड फॉर्म में बन गया है, लेकिन जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे ये फिर से थिक होता नजर आएगा। धीरे धीरे आपको इसका काफी अच्छा सा येलो कलर नजर आने लगेगा क्योंकि
मैंगो की प्यूरी जो हमने बनाकर तैयार की थी उसका कलर बहुत सुंदर था, इस वजह से हमें इसके अंदर कलर को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी मैंगो प्यूरी कम अच्छी येलो कलर की बने तो आप उसके अंदर येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। अभी आप देखिए इसका कलर बहुत सुंदर आ गया है। अभी मैं इसके अंदर 2 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने से जो आपको इसके अंदर छींटे उछलते हुए नजर आ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे और इसी के साथ में घी की शाइनिंग भी बहुत अच्छी नजर आएगी। तो कलाकंद जो हमारा बनकर तैयार होगा उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाने के लिए हम इसके अंदर घी ऐड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर छींटे बहुत ज्यादा उछलने लगे तो आप गैस का फ्लेम लो कर लें और इसे कंटिन्यूस पकाते रहें जब तक ये बहुत थिक होकर तैयार ना हो जाए। अभी आप देखिए ये काफी थिक हो चुका है, 1 से 2 मिनट में ये पूरा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। अभी आप देखिए ये बिल्कुल भी कढ़ाई में स्टिक नहीं कर रहा। इस टाइम हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, उसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का स्विच ऑफ कर देंगे। अभी मैं इसको पहले से जो तैयार की हुई टीन थी उसके अंदर डाल रही हूँ और इसको हम इक्वली सेट कर देंगे। इसको इक्वल करने के लिए आप किसी स्पैचुला या स्पून किसी की भी हेल्प ले सकते हैं और इसे इक्वली सेट कर लें। आप इसे 1 से 2 बार टैप करें ताकि ये चारों तरफ बराबर से सेट हो जाए। इसको गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पर कटे हुए बादाम स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप बादाम या पिस्ता कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर सैफरन लीव्स भी है जिसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है कि आप बादाम पिस्ता या किसी से भी गार्निश कर सकते हैं। अभी हम इसे 5 to 6 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अभी लगभग 5-6 आवर्स हो चुके हैं और कलाकंद हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। मैं इसको एक नाइफ की हेल्प से इसके ऊपर कट के निशान लगा देती हूँ ताकि जब हम इसके पीसेस कट करें तो वो इक्वल साइज में पीसेस निकलकर तैयार हो सके। आप इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप देखिए इसको कट करने से ही आपको लग रहा होगा कि कलाकंद काफी सॉफ्ट बना है। मैं इसके एक पीस को हाथ में लेके दिखा रही हूँ। आप देखिए हाथ में लेने से भी आपको ये बहुत क्लियरली सॉफ्ट नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से आप सारी पीसेस कट करके तैयार कर लें। इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं।